हेलो एंड वेलकम टू आईपीएल फीवर विद डीएनए। मैं शशांक लव मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं और अभी की सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि ऋषभ पंत इज बैक एंड वेल एंड ट्रूली बैक। देखिए एक्सीडेंट के बाद जब से एक साल से क्रिकेट खेला नहीं था और जब वापसी हुई आईपीएल में एज कैप्टन, तो ये चीज कहीं ना कहीं साफ जाहिर थी कि हर मैच में ऋषभ पंत पे ज्यादा नजर रहने वाली है कि वो किस तरीके से फिट है और किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, क्या वो पुराना टच नजर आ रहा है। पहले दो मैच में वो थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस दिखे लेकिन वो बड़ी पारी नहीं आई, लेकिन वो आई अब सीएसके के सामने। 52 रन लगाए उन्होंने 31 बॉल पे। लव मेरे साथ है इस पे बात करने के लिए। लव क्या लग रहा है जिस तरीके से, एक बार अगर हम पहले वाली जो दोनों पारियां हैं उनकी उनपे थोड़ा सा रोशनी डाले, क्या लग रहा है पहले मैच में, पहले दो मैच का अगर एक बार आप आंकड़ा बता, ऋषभ पंत ने क्या किया था? देखिए, पहले मैच में पंजाब के अगेंस्ट जो ओपनिंग मैच था, उनका पहला मैच था इंजरी के बाद, उसमें उन्होंने 18 रन बनाए थे 13 बॉलों में, 138 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे, दो चौके मारे थे। तो हमें वो दो चौके देख के लगा था कहीं ना कहीं, और एक ड्रॉप कैच था तो उनको मौका मिला, बट वो उस मौके को उतना बना नहीं पाए। मगर हमें लगा था कि हाँ, कहीं ना कहीं मतलब बाउंड्रीज वगैरह आ रही है और रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी डिसेंट नजर आ रही थी, तो लग रहा था कि हाँ, थोड़ा मतलब वापसी हो सकती है इस आईपीएल में उनकी। उसके बाद सेकेंड मैच के अगेंस्ट उन्होंने बनाया 28 रन 26 बॉलों में, दो चौके एक छक्का, 107 के स्ट्राइक रेट से। तो लगा नहीं कि ऋषभ पंत वाली एक इनिंग्स है, क्योंकि ऋषभ पंत हमेशा एक ऐसे प्लेयर है जो एक मतलब तेज तरार इनिंग्स खेलते हैं, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। तो क्योंकि 107 का स्ट्राइक रेट आप ऋषभ पंत के कैलिबर वाले प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं करते, तो हमें वो देखने को मिला था। बट वो बाउंड्रीज अगर आई थी तो वो एक पॉजिटिव साइन था जरूर। लेकिन आज वाले मैच की बात करें तो 51 रन बनाए उन्होंने, 51 रन बनाए 32 बॉल्स में, चार चौके और तीन छक्कों की मदद से 159 के स्ट्राइक रेट से, और जिसमें हमें वो जो सिंगल हैंडेड सिक्स जो उनका फेमस है वो भी देखने को मिला। तो मतलब आज लग रहा है कि कहने के ऋषभ पंत की वापसी हुई है, और आज उनका प्रॉपरली देखा जाए तो एक तरीके से पहला मैच था जिसमें उन्होंने परफॉर्म करा है और लगा है कि ऋषभ पंत खेल रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से ढंग का कमबैक है। और जिस तरीके से ना कि ये कप्तानी पारी भी खेली, कि आपने जरूर वो जो 166 की बात करी, जो ओवर स्क्वायर लेग आया अगेंस्ट आई थिंक पाथिराना था या आई थिंक मुस्तफिजुर रहमान था, वहां पे वो पुल करने के लिए गए थे और एक हाथ छूटा उनका, लेकिन वहां पे वो चीज क्लियर करी। और हमने लगातार बात करी कि ऋषभ पंत जब 106 मारना स्टार्ट कर दे तो समझ लीजिए कि वो अपने वापस पुराने टच में आ गए हैं, जो आज भी दिखा। और एक एक सिचुएशन थी जहां पे दिल्ली कहीं ना कहीं फंस गया था, जब लगातार वो दो विकेट आए पाथिराना के एक ओवर में, स्टब्स आउट हुए और आउट हुए मिचेल मार्श, उससे पहले ऋषभ पंत की बैट पे बॉल जरा से भी नहीं आ रही थी, वो टच नहीं आ रहा था, बॉल नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने किए गियर चेंज, लास्ट ओवर में पाथिराना के पीछे भी दौड़े, उनको भी रन किए और जो एंड किया 32 बॉल पे 51 रन, तीन छक्के चार चौके, 160 का स्ट्राइक रेट और दिल्ली को पहुंचाया 190 के पार। उसमें जो योगदान था वो आया था पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर से भी, लेकिन जो बड़ी रीजन थी, क्योंकि हम आगे हमेशा बात करते हैं आप किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता कभी कभी, लेकिन आप कैसे एंड कर रहे हैं ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज ऋषभ पंत ने कहीं ना कहीं करके दिखाई है अगेंस्ट सीएसके, अ टेबल टॉपर टीम एंड अ चैंपियन टीम धोनी के अगेंस्ट। उनकी फील्ड प्लेसमेंट को खेला जिस तरह से, क्योंकि उनका हर एक शॉट वहां पे कहीं ना कहीं रोक रखा था, क्योंकि लगातार जो स्पिनर्स थे वो ऑफ स्टंप के बाहर टारगेट कर रहे थे। हमको पता है, हमने देखा है कि वो कट मारना, ओवर कवर्स मारना स्पिनर्स को इतना ज्यादा नहीं कंफर्टेबल फील करते हैं। उनका जो आर्क है, हमने देखा जडेजा के अगेंस्ट जो मिड विकेट के ऊपर छक्का मारा, तो वो आग से लगातार दूर रख रहे थे। और उसके बाद जिस तरीके से डीसी की बैटिंग को चलाया वो ऋषभ पंत ने वो किया, और जिस तरह से मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ कि सही में देखा जाए तो आज था ऋषभ पंत का पहला मैच आईपीएल में और आज हुआ है कमबैक, और एकदम अच्छी तरीके से आज कमबैक हुआ है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट की जो इंडिया जिसका इंतजार कर रहा था एक साल से, वो चीज आज हुई है। ऋषभ पंत इज वेल एंड ट्रूली बैक, वापस से अपनी वो पुराने टच में आ रहे, कीपिंग में हमेशा से अपने टच में लगी रहे थे पहले मैच से, चाहे वो कैचेस पकड़ना हो, स्ट्रेच करना हो अगेंस्ट स्पिनर अगेंस्ट पेसर, लग रहा है कि वो मेहनत हुई है, वो काम हुई है और वो रिकवरी अच्छी हुई है। तो अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ऋषभ पंत ने अपनी पहली 50 जड़ दी है कमबैक के बाद। एक बहुत बड़ा सीजन था जो उन्होंने मिस किया था वो ट्रेजिक एक्सीडेंट के बाद, और उसके बाद अब दिल्ली को कहीं ना कहीं जो उनकी
कप्तान से वो पारी चाहिए थी, वो मिल गई है। 51 रन बनाए हैं 32 बॉलों में 160 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेटर इन दी मंथ इंडिया के लिए भी ये अच्छी एक हेडेक होने वाली है कि किसको वर्ल्ड कप लेके जाना है, बिकॉज द अल्टीमेट प्राइज इज द T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फॉलो करते रहिए IPL DNA के साथ, IPL फीवर विद DNA। और DNA में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं YT पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे DNA हिंदी और DNA इंग्लिश दोनों चैनल को, इंस्टाग्राम, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिए। ऐप लॉन्च हो गया है DNA का, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। सारी अपडेट्स के लिए आप उस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और देखते रहिए, कीप वॉचिंग DNA। थैंक यू।